गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर OPS ऑनलाइन चैनल एंड टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इन माय प्रीवियस लेक्चर आई टॉट शिवाजी एंड माय सेकंड चैप्टर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। लुक एट दिस पिक्चर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर आर सम पेरेंट्स चाइल्ड पेयर्स। दिस इज द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड पेयर्स, मतलब उनके पेरेंट्स और बच्चों का ये पेयर है। व्हाट इज ईच पेयर फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस थे? ओके, एट फर्स्ट राज कपूर एंड हिज सन रणधीर कपूर, बोथ आर अ एक्टर। ये दोनों एक एक्टर थे, फिल्म मेकर। ओके, सेकेंड वन उस्ताद अल्लाह रखा एंड हिज सन जाकिर हुसैन ये दोनों तबला वादक थे। ओके, लुक एट दिस पिक्चर, तबला वादक थे दोनों, फेमस। एंड लास्ट मृणालिनी साराभाई इज अ कथक डांसर एंड हर डॉटर मल्लिका साराभाई। ओके, एंड हिज पेरेंट्स एंड चाइल्ड्स। ओके, नाउ रीड द पैसेज। इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु इज द इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889 इन अलाहाबाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। 14 नवंबर डेट मीन्स चाइल्ड्स डे, बाल दिवस। ओके, हिज फादर पंडित मोतीलाल नेहरू वॉज अ रियोन बैरिस्टर ऑफ इंडिया। उनके जो पिता थे, उनके पिता का क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ फादर? पंडित मोतीलाल नेहरू। वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे इंडिया के। ही वॉज ए वेल रिस्पेक्टेड एंड ए वेल टू डू पर्सन। वो एक बहुत ही वेल, मतलब बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे। बहुत अच्छा उनका सोसाइटी में बहुत अच्छा पोजिशन था उनका। किसका? पंडित मोतीलाल नेहरू। किसके फादर थे? जवाहरलाल नेहरू। हिज मदर स्वरूप रानी वॉज अ सिंपल लेडी। और जो उनकी माता थी, जो उनकी माँ थी, उनका नाम था स्वरूप रानी वॉज अ सिंपल लेडी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, आवर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, हिज फादर पंडित मोतीलाल नेहरू एंड हर मदर स्वरूप रानी। ओके, सिंस ही वॉज बॉर्न इन एफ्लुएंट एंड एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, ही वॉज ब्रॉट अप विथ ऑल लग्जरीज लव एंड केयर। मतलब वो बहुत ही उच्च घराने में और बहुत ही रईस घराने में उनका जन्म हुआ था, और जितनी सारी लग्जरीज यानी जितनी सारी कम्फर्ट की चीज़ें हैं और प्यार और उनको केयर, बहुत अच्छे से उनका बचपन बहुत अच्छे से पला बढ़ा, बहुत लग्जरियस तरह से। ही हैड नैनीज टू लुक आफ्टर हिम। नैनीज डैट मीन्स जो बच्चों का केयर करती है। ओके, ही हैड नैनीज टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए नैनीज होती थी। व्हेन ही वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 11 वर्ष के थे, हिज पेरेंट्स वेयर ब्लेस्ड विथ टू डॉटर्स, उनकी दो बहनें हुई, फर्स्ट विजयालक्ष्मी एंड कृष्णा। कौन? विजयालक्ष्मी एंड कृष्णा। His initial education was taken care of by private tutors at home. उनकी जो initial education थी, प्राथमिक जो शिक्षा थी, वो घर पे हुई उनके tutor के द्वारा। When he was around 15 years of age, जब वो 15 years के age में आए, he was sent to England for higher studies. उन्हें England भेज दिया गया higher studies के लिए। In England, he joined one of the most expensive schools, Harrow. इंग्लैंड का एक बहुत ही महंगा स्कूल था हैरो, ठीक है, उस स्कूल में इनका दाखिला हो गया। आफ्टर टू ईयर्स, दो साल बाद, ही ज्वाइंड द फेमस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो आज भी बहुत फेमस है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ओके, उसमें इनका दाखिला हो गया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ही रिटर्न टू इंडिया एज ए बैरिस्टर एंड स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस। मैंने पहले बताया था उनके फादर बैरिस्टर थे, सो वैसे ही ये भी एक बैरिस्टर बने, मतलब प्रैक्टिस उसका शुरू कर दिया इन 1916। और 1916 में ही मेट महात्मा गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द कांग्रेस सेशन इन लखनऊ। 1916 में पहली बार महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हुई जब कांग्रेस का सभा चल रहा था लखनऊ में। ही हैड हियर्ड एंड रीड अबाउट गांधी जी एंड वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिम। उन्होंने गांधी जी के बारे में पढ़ा और सुना और बहुत इम्प्रेस, मतलब बहुत ही प्रेरित हो गया उनसे इन 1916। फिर 1916 में ही गॉट मैरिड टू कमला, जो बाद में कमला नेहरू कहलाते, उनकी जो पत्नी थी उनका क्या नाम था? कमला नेहरू। उनसे उनका मैरी हो गया। एट दैट टाइम
हिज इंटायर फैमिली वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। उस समय इनका जो इंटायर फैमिली मतलब इनके जो पूरा परिवार था वो किसमें पार्टिसिपेट कर लिया, भारत की जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, ओके, फ्रीडम मूवमेंट में। नेहरू जी ऑल्सो ज्वाइन इन, नेहरू जी भी उसको ज्वाइन कर लिए। He was imprisoned many times for opposing the British rule and taking part in the freedom movement. कई बार उनको जेल भेजा गया, ठीक है ना, जो British rule के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे उसमें। He spent many years in jail, बहुत साल उनको जेल में बिताना पड़ा। He was a great intellectual and spent his time reading and writing books. और इस दरमियान में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और पढ़ी। The massacre of Jallianwala Bagh made him very sad. Massacre मतलब होता है कुचलना, जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग। बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था जिससे वो बहुत दुखी हो गए। द नन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन, और उन्होंने एक मूवमेंट बिगेन कर दिया, नन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू कर दिया। जवाहरलाल लेफ्ट हिज लॉ प्रैक्टिस एंड ज्वाइंट दिस मूवमेंट्स, उन्होंने अपने लॉ प्रैक्टिस बैरिस्टर का जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसको लेफ्ट मतलब छोड़ दिया और इस मूवमेंट में आ गए। जवाहरलाल नेहरू वॉज बोल्ड एंड हार्ड वर्किंग एंड बिकम वेरी पॉपुलर। जवाहरलाल नेहरू बहुत बोल्ड थे मतलब बहुत साहसी, और बहुत ही कड़ी मेहनत करी है जिसकी बदौलत वो बहुत पॉपुलर हो गए। फिन द फ्रीडम मूवमेंट बिकम ए सक्सेस ऑन 15 अगस्त 1947, और जब ये फ्रीडम मूवमेंट सक्सेस हो गया कब, आज़ादी 15 अगस्त 1947, एंड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, और भारत स्वतंत्र हो गया, और जवाहरलाल नेहरू वॉज मेड ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। द नेशन वॉज पासिंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, या वो समय था जब हमारा राष्ट्र बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडिया वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग, फाइनेंशियल उन्हें आर्थिक स्थिति जो थी भारत की वो बहुत अच्छी नहीं थी। नेहरू जी स्टीयर्ड द कंट्री थ्रू द क्राइसिस विद ग्रेट विजडम एंड फार साइटेड प्लानिंग, और नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो इस क्राइसिस मतलब फाइनेंशियल जो हमारा कंडीशन था उसके विरुद्ध मतलब विरुद्ध नहीं उसके प्लानिंग करके बहुत सारा प्लान को अपना वो स्टार्ट किए। ही वांटेड इंडिया टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्रीज एंड वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड फॉर इट, वह चाहते थे कि भारत को बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री बना, और इसके लिए वह बहुत एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक मेहनत भी कर रहे थे। ड्यू टू हिज अनटायरिंग एफर्ट्स, उनका जो नहीं निरंतर जो प्रयास था, इन द फॉरेन कंट्रीज इंडिया बिकम वेल नोन, और भारत फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत अच्छे से जाना जाने लगा। हिज फॉरेन पॉलिसीज वेयर प्रेज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी जो विदेश नीति थी जवाहरलाल नेहरू की वो पूरे दुनिया में काम कर गई। ही वांटेड ऑल द बिग एंड स्मॉल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कम टुगेदर एंड लिव पीसफुली, वह चाहते थे कि देश की जितनी भी बड़ी छोटी देशें हैं वे साथ में आए और शांतिपूर्वक रहे। ही वॉज अगेंस्ट वॉर, वह युद्ध के खिलाफ थे। ही वॉज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज पॉलिसीज ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नॉन अलाइनमेंट एंड सेकुलरिज्म। कोएग्जिस्टेंस नॉन अलाइनमेंट यानी किसी भी वो गुट में या किसी भी सत्ता में किसी भी पक्ष में वो शामिल नहीं होते थे, और सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष, उनका जो ये सब नीति था शांतिपूर्वक रहने का, धर्मनिरपेक्ष का, वो बहुत ही फेमस हो गया। ही न्यू डैट इंडियाज ग्रेटेस्ट क्रस वॉज पॉवर्टी, वो जानते थे कि भारत का जो सबसे बड़ा कमी है वो क्या है, पॉवर्टी यानी गरीबी। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के समाधान के लिए ही स्टार्टेड 5 ईयर्स प्लान, उन्होंने पंचवर्षीय योजना को शुरू किया। दिस ब्रॉट इंडिया इनटू अ न्यू एरा, और यह जो 5 ईयर्स प्लान था भारत को एक नई दिशा में ले गया। ही लेड द नेशन ऑन द पाथ ऑफ प्रोस्पेरिटी, और वह राष्ट्र को संपन्नता के रास्ते पर लेकर के गया। इन 1955 ही वॉज कन्फर्ड अपन विथ वन ऑफ द हायर अवार्ड्स ऑफ इंडिया, और उनके इन सब प्रयत्नों के बाद 1955 में उन्होंने भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, उससे उनको सम्मानित किया गया। इंडियाज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी वॉज द वनली चाइल्ड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, भारत की जो सबसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी मिस्टर इंदिरा गांधी वो कौन थी, जवाहरलाल नेहरू की पुत्री बेटी। इंकरेज्ड बाई हर फादर, अपने पिता के इंकरेज प्रोत्साहन से सी टू ग्रेट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड इन द एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, अपने पिता की नीति को अपनाते हुए उन्होंने शिक्षा और लोगों की संपन्नता पे बहुत ध्यान दिया, और उसमें उनका बहुत रुचि बढ़ गया इंदिरा गांधी का, ओके। एंड सी वॉज इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू लव चिल्ड्रन एंड से डैट दे वेर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे और वो कहते थे ये राष्ट्र के भविष्य है। एग्जैक्टली दिस इज अ ट्रू, सही बात है, बच्चे राष्ट्र के फ्यूचर ऑफ द नेशन होते हैं। ही वॉज पॉपुलरली नो एज चाचा नेहरू,
वो चाचा नेहरू के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गए। हिज बर्थडे 14 नवंबर, जब उनके जन्मदिन के अवसर पर, इज हिंस नाउ एज चिल्ड्रंस डे, हम लोग भी मनाते हैं अपने स्कूल में चिल्ड्रंस डे, ऑन 27 मई 1964, दिस ग्रेट पैट्रियट एंड मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया पास्ट अवे। और वे कब उनका डेथ हो गया, 27 मई 1964 को। मिलियंस ऑफ पीपल रश टू हिज रेसिडेंस एट तीन मूर्ति टू पे देयर लास्ट, बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल्स आए उनके रेसिडेंस पे उनको सम्मान देने के लिए, उनकी याद को, उनके प्यार को, उनके रिस्पेक्ट को देखने, उनके चाहने वाले। ही वॉज क्रीमेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली, इन हिज मेमोरियल इज नो एज द शांतिवन, उनके नाम से एक मेमोरियल बनाया गया जिसका नाम था शांतिवन। फिर नेहरू डाइड, जब नेहरू जी टाइट कर गए, मतलब चल बसे, मिसेस गांधी वॉज गिवेन हर फर्स्ट पोस्ट एज ए गवर्नमेंट मिनिस्टर, तो जो मिसेस गांधी थी उनको फर्स्ट गवर्नमेंट मिनिस्टर का पोजीशन मिला। सी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 1966, और वो 1966 में आके भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई, कौन, मिसेस इंदिरा। सो आवर चैप्टर इज कम्प्लीट, ओके, बाय स्टूडेंट्स।